लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए आज प्रकल्पग्रस्तों का महामोर्चा बेलापुर में चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रकल्पग्रस्तों का जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, सबके हाथों में बैनर है और एक ही जय घोष है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये वो प्रकल्पग्रस्त है जिनके लिए दीबा पाटिल साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की और इसीलिए उसके बदले में आज प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने सिडको के जरिए बाला साहब ठाकरे का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रस्तावित किया है और इसीलिए यह विरोध आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि नवी मुंबई के जितने भी प्रकल्पग्रस्त हैं थाने रायगढ़ और नवी मुंबई के, वो ये इस बात को चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ दीबा पाटिल का साहब का नाम दिया जाए, क्योंकि दीबा पाटिल साहब ने जीवन भर प्रकल्पग्रस्तों के लिए संघर्ष किया। 12.5% योजना की बात हो या नवी मुंबई के विकास में जो नीतियों की बात हो, सभी मुद्दों को लेकर दीबा पाटिल साहब ने संघर्ष किया और इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं, इस वक्त बड़े पैमाने पर ये यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और जो नेता है, जो उसको नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं संजीव नाइक जी हैं और महेश बाल्दी जी हैं, प्रशांत ठाकुर जी हैं, ये वो कोर कमेटी के मेंबर हैं जो दीबा पाटिल, लोक नेता दीबा पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके ये कोर मेंबर हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये इनकी मांग है, एक ही सिर्फ मांग है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए और इसीलिए ये लगातार जो है ये प्रयत्न चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस जो है तैनात की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स और कृति दल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है और उनकी कोशिश यही है कि ये जो पूरा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पुलिस अपने तरीके से उसको सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिए। जैसा कि प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने भी वादा किया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और अपनी मांग जो है शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएगी। मैं फिर से दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो जन सैलाब है ये उन प्रकल्पग्रस्तों का है जिसके लिए दीबा पाटिल साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए और इसीलिए इस वक्त नवी मुंबई रायगढ़ और थाने के प्रकल्पग्रस्त हैं वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है जो प्रकल्पग्रस्तों को मंजूर नहीं है। अब देखना होगा कि आज 24 जून के आंदोलन के बाद सरकार का क्या रवैया होता है, सरकार किस तरह से फैसला करती है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम देती है या कुछ और निर्णय करती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।